दिस इज अमर सर, स्वागत है आपका अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश में। आज मैं आपको 100 नंबर इंग्लिश का एफ सेट बताने जा रहा हूँ, जिसका आज एग्जाम हुआ था 10 फरवरी 2020 को। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया आपका कि C-B-A-40। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएंगे आपका सी विल। उसके बाद हो गया आपका हु इज द पर्सन डैश दिस पिक्चर। तो हु इज द पर्सन इन दिस पिक्चर, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इन हो जाएंगे। यहाँ पर जो है आपका हु इज द पर्सन इन दिस पिक्चर, तो यहाँ पे इन हो जाएंगे। नेक्स्ट में है प्लीज गिव मी डैश केक डैट इज ऑन द टेबल। तो ये हो जाएगा आपका प्लीज गिव मी द केक डैट इज ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर फोर में जो है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो चूज द करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आपका आई डो नॉट लाइक कॉफ़ी हो जाएंगे, ये हो जाएगा आई डो नॉट लाइक कॉफ़ी। ये क्वेश्चन नंबर फाइव में जो है द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे। जैसे ही यस्टरडे आया तो समझ जैसे वी टू का प्रयोग करेंगे, और वी टू यहाँ पे कहाँ पर है, तो वी टू जो है आपका ये डाउट हो गया आपका, इसलिए बी हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स में इट मे रेन वी विल गेट वेट। इसको करना कॉम्बिनेशन है, सिंथेसिस से लिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट। यहाँ पे इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन में जो है ये बोल रहा है कि प्लीज़ बी क्वाइट आई डैश माई होमवर्क। तो आई एम डूइंग माई होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 रीटा डैश टू द रेडियो। तो रीटा इज लिसनिंग टू द रेडियो, यहाँ पे ए हो जाएंगे, रीटा इज लिसनिंग टू द रेडियो। क्वेश्चन नंबर नाइन में जो है द कैट इज ईटिंग फिश। जैसे ही यहाँ पे आपका इज आया तो समझ जाते हैं कि बींग वाला होगा, और बींग वाला फर्स्ट में है ए में, तो द फिश इज बींग ईटन बाय द कैट, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन में जो है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड विटामिन। तो विटामिन का स्पेलिंग हो जाएंगे BITAMIN विटामिन, तो नंबर ए, 10 का ए। 11 में चलते हैं, 11 में हो गया आपका ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरीडे। एवरीडे जैसे आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर हो जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए प्रैक्टिसेस हो जाएंगे, क्योंकि ही एक वचन है, इसलिए इसके साथ जो है प्रैक्टिसेस का प्रयोग करेंगे, एस वाला भर्ब लगेगा। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द मदर सेट इन द कॉर्नर इन अ कॉर्नर डैश हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपका नंबर बी, मतलब 12 का हो जाएंगे आपका नंबर बी, 12 का हो जाएगा वाचिंग। चूज द करेक्ट सेंटेंस में जब हम चलते हैं 13 में, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस को चुनना है, और इसका उत्तर हो जाएगा बी, एनी ऑफ द थ्री मैन कैन डू इट, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है ये द विंडो हैव बीन क्लीनेड। द विंडो हैव बीन क्लीनेड, और इसका जो है उत्तर हो जाएगा आपका पैसिव में चेंज करना, एक्टिव में, पैसिव में है, एक्टिव में चेंज करना है, तो हैज वाला हो जाएगा, और हैज कहाँ है, सी में है, तो सी हो गए। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में जाते हैं, तो यू डैश द पियानो। तो यू डैश द पियानो, तो यू आर प्लेइंग द पियानो हो गए। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में जब हम चलते हैं, तो 16 में वी डैश हिम यस्टरडे। जैसे ही यस्टरडे आया, मतलब वी टू का प्रयोग करना है, और यहाँ पे आपको हो गया बी, तो वी टू हो गया बी, इसलिए हो जाएंगे विजिटेड। क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में जो है वो बोल रहा है आपका कि वी डैश डैट यू वुड सक्सीड। तो वी होप्ड क्या हो जाएंगे, वी होप्ड डैट यू वुड सक्सीड, तो बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर एटीन में है कि देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नाइनटीन
आरती मेड मी डैश माई शूज बिफोर आई वेंट इन टू हर हाउस, तो यहाँ पे हो जाएंगे मेड मी टू टेक ऑफ, मेड मी टू टेक ऑफ माई शूज बिफोर आई वेंट इन टू हर हाउस, यहाँ पे हो जाएंगे आपका मेड मी टू टेक ऑफ, यहाँ पर जो है उत्तर हो जाएगा आपका टू टेक ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में जब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में ही से टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, तो यहाँ पे इसको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, जैसे ही आपका विल आया इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क लगेंगे, तो ही आस्क्ड मी इफ आई शुड, तो शुड यहाँ पे है इसलिए आई वुड पोस्ट दैट लेटर फॉर हिम, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपका ए नंबर, क्या हो जाएंगे आपका ए नंबर हो जाएंगे, और ए में जो है आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में ही इज गोइंग डैश लीव नेक्स्ट वीक, ही इज गोइंग ऑन लीव नेक्स्ट वीक। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में चलते, चूज द करेक्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पे हो जाएंगे सी वांट्स 3x, सी वांट्स 3x, ये डी नंबर हो जाएगा, सी वांट्स 3x। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में जब चलते हैं, 23 में है आपका डैश ही ड्राइव टू वर्क, डज ही ड्राइव टू वर्क, यहाँ पे हो जाएंगे डज ही ड्राइव टू वर्क, डज डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में जब चलते हैं, तो यस्टरडे, जैसे ही यस्टरडे आए तो भी टू का प्रयोग, यहाँ पे वेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, द टीचर डैश अबाउट द वेदर, तो यहाँ पे हो जाएंगे टीचर टोल्ड अबाउट द वेदर, यहाँ पे हो जाए टीचर टॉक्ड अबाउट, यहाँ पे क्या हो जाएंगे टॉक्ड अबाउट द वेदर, यहाँ पे हो जाएंगे टॉक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे चूज द करेक्ट सेंटेंस के लिए जो है वो हो जाएंगे आपका ही विल नेवर टेल ए लाई, ही विल नेवर टेल ए लाई, ही विल नेवर टेल ए लाई। क्वेश्चन नंबर 27, सी इज प्लीज डैश मी, जैसे प्लीज आए प्लीज के साथ विथ लगते हैं अगर आदमी हो तो सी इज प्लीज्ड विथ मी। इसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 28, यू डैश गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, तो यू विल क्या हो जाएंगे आपका यू विल, यहाँ पे हो जाएंगे विल, यू विल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ही हैज ब्रोकन हिज लेग सो ही डैश प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 29 में ही कैन नॉट, ही कैन प्ले फुटबॉल, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में हो गया चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इंटेलिजेंट, आई एन टी ई डबल एल आई जी ई एन टी, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का स्पेलिंग ये होता है करेक्ट सही, तो सी नंबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 31 में लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज, तो लेट मी लीव द क्लासरूम, लेट लेट के बगल में हमेशा भी वन आते हैं तो लीव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे चूज द करेक्ट सेंटेंस हो गया आपका आई एम गोइंग नाउ, आई एम गोइंग नाउ हो गए। 33 में हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 33, सी आस्क्ड हर इफ सी वाज इल, सी आस्क्ड हर सी वाज इल, इसका उत्तर आपका हो जाएगा श्याम से टू हर आर यू इल, यहाँ पे हो जाएगा ये सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में जब हम चलते हैं तो बता रहा आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड मी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग विथ देम, पहला नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद 35 में चलते हैं, लर्निंग डैश इजंट एजी, लर्निंग फ्रेंच इजंट एजी, या लर्निंग ऑफ फ्रेंच तो होंगे नहीं, लर्निंग इन फ्रेंच, तो लर्निंग फ्रेंच हो जाएंगे, लर्निंग फ्रेंच बी नंबर अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का बी, तो ये हो जाए लर्निंग फ्रेंच हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, 36 जो है ए रिटन स्टेटमेंट और ऑथ इज कॉल्ड, जो है वो इसमें जो लीगल स्टेटमेंट होते हैं उसको जो है हाफ एफिडेविट कहा जाता है, ऑथ जो कसम खाते हैं, जो ऑथ लेते हैं, कसम लेते हैं, उसको जो है हाफ एफिडेविट कहा जाता है, ठीक है।
और कोई काम और भी जो पेपर वाला जो काम होता है उसको डिड भी कहा जा सकता है, तो इसको आप देख लेंगे ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो बुक से आ गए और बुक वाला जो है 37 से चल रहे हैं। तो जॉन डोने इज अ डैश पोएट, तो जॉन डोने इज अ मेटाफिजिकल पोएट। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में जो है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नोन एज, एज जो होगी आपका स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो है ये सेकेंड लैंग्वेज हो गए ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 एंड द नाइटिंगेल इज डिम, नाइटिंगेल इज डम डिम डम जो है, नाइटिंगेल अब चुप है, ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में जो है रूपर ब्रूक प्रेसिस इंग्लैंड, रूपर ब्रूक जो है इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं, किसकी प्रशंसा करते हैं इंग्लैंड की। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका 41, 41, 41 में चलते हैं। वाल्टर डीला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, क्या हो जाएंगे इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में, क्वेश्चन नंबर अगर 42 पे चलते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो है क्या चीज़ जो है मुख्य हथियार होती है किसी भी नेशनल को प्रपोज कर पर्पस के लिए, वो हो जाएंगे आपका एजुकेशन, क्या हो जाएंगे एजुकेशन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये जो लाइन है वो द सोल्जर से लिया गया है, द सोल्जर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में जब चलते हैं तो एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश मस्ट फ्रीज, मस्ट फ्रीज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आइडियाज डेट हेल्प मैनकाइंड जो है वो बर्ट्रेंड रसेल के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया बर्ट्रेंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में जब चलते हैं तो वाल्टर डिलामेयर वाज बॉर्न इन डैश, वाल्टर डिलामेयर का जन्म जो है 1833 ईस्वी में हो गया था ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 47, 47 में जो है बर्ट्रेंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, 1950 में उनको नोबेल प्राइज मिला था ठीक है। नंबर 48, नंबर 48 में इंग्लिश यूज फ्रॉम द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड मिडिल इंग्लिश, क्या हो जाएंगे आपका मिडिल इंग्लिश हो जाएंगे, मिडिल इंग्लिश कहा जाता है 1500 से लेकर 1700 ईस्वी तक का जो इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं वो मिडिल इंग्लिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, वेस्टलैंड इज रिटन बाय टी एस इलियट, वेस्टलैंड जो है वो टी एस इलियट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट में चलते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत, तो इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो संस्कृत से नई है उसे पुरानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वज जो थे वो मशीन का आविष्कार उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि वो जो है मशीन वो उनको गुलाम बना लेंगे अपना, इसलिए इसी वजह से उन्होंने अपना मशीनों के आविष्कार के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में जब चलते हैं तो एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, ये जो है पानी पीने रुका और थोड़ा सा और पानी पिया, जो स्नेक से लिया गया है स्नेक तो सी हो गए। क्वेश्चन नंबर 53, 53 में जब चलते हैं तो 53 में डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो भारत इज माई होम के लेखक हैं, भारत इज माई होम के राइटर हैं। 54, 54 जो है मैकबेथ एंड जूलियस सीजर जो है वो शेक्सपियर्स के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 55, सावित्री जो है वो सर अरविंदो के द्वारा लिखा गया है, सावित्री सर अरविंदो के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 55 में जब चल सॉरी 56 में चलते, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदूज दैट हैज़ कैप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, ये जो हो गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, कहाँ से लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, 57 राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट इज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमन ऑफ मैन, ह्यूमिलिटी ऑफ मैन ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएंगे बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपका बी ठीक है ना। उसके बाद होगी आपका डैश, और इसमें जो है आप इसको जो है देख के एसेंशियल नॉलेज भी आप इसको चेक कर सकते हैं, अपने बुक में थोड़ा सा देख लेंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 58, 58 में जो है डैश वेर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, तो हमारे जो पूर्वज जो थे वो स्मॉल विलेज से
संतुष्ट थे, वो शहर में रहना पसंद नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 59, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस डैश, ग्रेट वोवेल शिफ्ट जो था वो मिडिल इंग्लिश के दौरान लिया गया था, मिडिल इंग्लिश कहाँ पे, मिडिल इंग्लिश के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 एंड अंतिम, एज वी वॉक वी मेक द प्लेस डैट वी सेल ऑलवेज ऑलवेज मार्च अहेड हो जाएंगे, ऑलवेज मार्क अहेड, ठीक है। तो इसमें जो है आप यहाँ पे आ नहीं रहा है तो आप इसको डी कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम अंडरलाइन नहीं कर पा रहे हैं, ये डी हो जाएंगे, 60 का हो जाएगा डी। ओके थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश को सब्सक्राइब कर देंगे। ओके थैंक यू।